पीडी 480 पीएस का जो वर्किंग वीडियो है वो आपको आज दिखा रहे हैं। तो कंप्लीट लाइव कॉफ को लगाते हुए आप देख सकते हैं, लगाएं कॉफ को। मशीन के ऊपर आईपी का बोतल भी रखते हैं जिसमें कि क्रिस्टल को बार बार क्लीन भी करना पड़ता है कि डस्ट वगैरह कहीं न बैठ गया हो। तो बीडी 480 पीएस में क्रिस्टल लाइट के साथ साथ वैक्यूम का भी सुविधा है। तो इसमें देख रहे हैं कि टेफ्लॉन टेप के जरिए बॉन्डिंग करते हैं, साथ में रखते हैं। तो इसमें भी दो कैमरा और दो लेंस होता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो कॉफ का दोनों सिरा होता है लेफ्ट और राइट, तो प्लस का साइन है। तो इसको एलाइन करते हैं अच्छे तरीके से। ये आपने क्या किया, प्री बॉन्डिंग। इन्होंने HMI में प्री बॉन्डिंग का बटन प्रेस किया और देख रहे हैं प्री बॉन्डिंग चल रहा है। इसके बाद हीटिंग का बटन प्रेस करेंगे, प्री बॉन्डिंग करने के बाद जो HMI में हीटिंग का मेनू दिया हुआ है वहां पे हम लोग टच करेंगे तो हीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कूलिंग करेंगे। तो सबसे पहले प्री बॉन्डिंग, हीटिंग और कूलिंग ये प्रोसेस करना पड़ता है। फिर दोबारा इन्होंने हीटिंग और कूलिंग का प्रोसेस किया है। कितना बार करना पड़ता है आपको? 3 टाइम। इसको 3 टाइम हीटिंग और कूलिंग का प्रोसेस करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि रिपीट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आता है कॉफ लगने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से सर्किट वाइज सर्किट वर्क अलाइनमेंट हो चुका है। और ये थर्ड टाइम हीटिंग और कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी प्रॉपर तरीके से जा रहा है मशीन के अंदर। ये हमारा देखिए प्री बॉन्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और हेड डिफॉल्ट ऊपर की ओर आ गया। इसके बाद हम लोग जो दो बटन देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिक का दिया हुआ है, दोनों हाथों से प्रेस करना पड़ता है। तो ये ऑटोमेटिक बॉन्डिंग स्टार्ट हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर भी 235, 37। टेम्परेचर भी इंक्रीज होते जाता है साथ साथ। आप देख सकते हैं कि हेड गिरने के बाद भी सारा सर्किट का एलाइन दिख रहा है। ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया जो ऑटोमेटिक बॉन्डिंग के साथ ग्लास साइड बॉन्डिंग कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।